हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पेंटेस्ट हिंट। और आज के इस वीडियो में मैं हम कलो करने वाले हैं SCDF फॉर बिगिनर्स। मशीन का नाम है रूट में, जिसकी डिफिकल्टीज है अभी इजी। एंड स्टार्ट करते हैं। सो अगर आप CTF स्टार्ट करना चाहते हैं सो ये वीडियो आपके लिए है। एंड यहाँ पे मैंने मशीन को स्टार्ट कर लिया है और जो मेरी लिनक्स मशीन है उसमें मैंने VPN ऑलरेडी कनेक्ट कर लिया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा जो टास्क है विच इज डिप्लॉय द मशीन, सो कनेक्ट टू द ट्रैक में। सो मैंने चीजें कर ली है, स्टार्ट है मेरा। सो मैं सो कर देता हूँ कंप्लीट। एंड देन सेकेंड पार्ट आता है इन्फॉर्मेशन गैदरिंग का, जहां पे मेरे पास ऑप्शन आते हैं कि आपको ये इन्फॉर्मेशन चाहिए कि स्कैन द मशीन एंड हाउ मेनी पोर्ट्स आर ओपन। सो यहाँ पे अब आपको ओपन पोर्ट स्कैन करने हैं। सो मैं यहाँ पे मेरा IP एड्रेस कॉपी कर लेता हूँ एंड मशीन पे स्विच करते हैं। और मैं यहाँ पे करता हूँ nmap then hyphen sc जो कि होता है डिफॉल्ट स्क्रिप्ट्स के लिए, then hyphen sv जो कि होता है वर्जन डिटेक्शन के लिए। एंड यहाँ पे मैं कर देता हूँ wabosmon then मेरा IP एड्रेस, then एंटर करते हैं। एंटर करने के बाद यहाँ पे मेरा पोर्ट स्कैन कर रहा है जो कि मेरे 2 पोर्ट्स बता रहा है। अब यहाँ पे इस केस में हम फुल पोर्ट स्कैन भी कर सकते हैं हाइफन पी हाइफन की हेल्प से, जहाँ पे आपके पूरे जो 65,535 पोर्ट्स है उनको स्कैन करता है और आपको बताता है कि कौन कौन से पोर्ट्स ओपन है। सो अभी इन इनिशियल मेरे पास यहाँ पे आते हैं 2 पोर्ट्स, तो पोर्ट नंबर 22 और पोर्ट नंबर 80। सो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है स्कैन द मशीन एंड हाउ मेनी पोर्ट्स। सो यहाँ पे मेरे पास है 2 पोर्ट्स एंड देन सबमिट। सो आंसर इज करेक्ट। एंड व्हाट वर्जन ऑफ अपाचे इज रनिंग। सो यहाँ पे हम वेट करते हैं हमारे स्कैन का, ताकि अपाचे का रिजल्ट हमारे पास यहाँ पे आ जाए। एंड अपाचे का वर्जन है मेरे पास 2.4.29। सो यहाँ पे मेरे पास सिस्टम आ रहा है Ubuntu, दैट्स मीन लिनक्स बेस्ड आपकी मशीन है, आपके SSH ओपन है। सो यहाँ पे इसको भी वैलिडेट कर लेते हैं हम लोग, और वैलिडेशन के लिए मैं यहाँ पे सबमिट करता हूँ। एंड व्हाट सर्विसेज इज रनिंग ऑन पोर्ट नंबर 22 व्हिच इज योर SSH। तो इसको सबमिट कर देते हैं। एंड फाइंड डायरेक्टरीज ऑन द वेब सर्वर यूजिंग द गो बस्टर टूल। सो अब हम यहाँ पे डायरेक्टरीज आइडेंटिफाई करनी है विद द हेल्प ऑफ गो बस्टर। सो गो बस्टर के लिए मैं न्यू टैब ओपन कर देता हूँ यहाँ पे, और इसको रिनेम कर देते हैं सिंपली दिस इज आर nmap scan एंड दिस इज आर गो बस्टर। सो गो बस्टर के लिए सिंपली गो बस्टर एंड देन dir, जो क्योंकि मुझे डायरेक्टली एन्यूमरेट करनी है, देन -u एंड उसके बाद पे जो आपका IP एड्रेस था, दैट्स मीन जो आपकी मशीन रन हो रही है इस पे पोर्ट नंबर 80 पे। सो यहाँ पे हम लोग विजिट करके देखते हैं। सो यहाँ आता है कैन यू रूट मी। यहाँ पे आपका एक स्टैटिक पेज लग रहा है। सोर्स कोड में देखते हैं जहां पे भी कुछ ऐसी जूसी इंफॉर्मेशन नहीं है। सो यहाँ पे डायरेक्टली ब्रूट फोर्स करके देखते हैं। सो मैंने यहाँ पे URL कॉपी किया एंड देन पेस्ट। एंड देन यहाँ पे आपको वर्ड लिस्ट एड करनी है, -w यूजर शेयर वर्ड लिस्ट डबस्टर में आप लोग डायरेक्टरी लिस्ट 1.0.txt एंड देन सिंपली एंटर। सो यहाँ पे मुझे एक डायरेक्टरी मिलती है स्लैश पैनल करके। सो इस पर विजिट करते हैं। सो स्लैश पैनल पैनल करने के बाद यहाँ पे आपके पास आता है कि सेलेक्ट अ फाइल टू अपलोड। एंड यहाँ पे आप फाइल अपलोड कर सकते हैं जहां पे हम लोग रिवर्स कनेक्शन ले सकते हैं। सो यहाँ पे आप लोग पेंटेस्ट मंकी से जो आपका PHP रिवर्स शेल है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, PHP रिवर्स शेल। सो आपके पास GitHub और पेंटेस्ट मंकी दोनों के ऑप्शन आते हैं। सो पेंटेस्ट मंकी पे जाके और सिंपली आप यहाँ से PHP का रिवर्स शेल अपने सिस्टम पे रख सकते हैं, और क्या आपको बाय डिफॉल्ट रखना भी चाहिए, जहां पे आपको सिर्फ आपका IP एड्रेस चेंज करना है, पोर्ट नंबर चेंज करना है, और आप जैसे ही सिंपली यहाँ पे इसको अपलोड कर देते हैं आपके पास कनेक्शंस क्रिएट हो जाते हैं। सो phpreversal.php यहाँ पे आप इस रो फाइल कुर्सी का डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें जो आपको चेंजेस करने होते हैं वो होता है ओनली टू दिस टू सेक्शन, जहाँ पे आपको कमेंट्स में लिखा हुआ भी है कि चेंज दिस।
सो यहाँ पे आपका आईपी एड्रेस जो भी आप अभी कनेक्टेड है एंड आपका पोर्ट नंबर जो भी आपका ओपन पोर्ट है जो आप रखना चाहते हैं. सो 1234 बाय डिफॉल्ट होता है जिसको आप चेंज कर सकते हैं. नाउ यहाँ पे मैं सेलेक्ट फाइल करता हूँ, ब्राउज पे जाते हैं एंड देन जो मेरा पीएचपी रिवर्स शेल है उसको अपलोड करते हैं. अपलोड करने के बाद आता है कि पीएचपी नाउ ई परमिटिडो, दैट्स मीन यहाँ पे कुछ लग रहा है कि डॉट पीएचपी एक्सटेंशन आप यहाँ पे अपलोड नहीं कर सकते. नाउ यहाँ पे हमें एक्सटेंशन को बाईपास करना होता है क्योंकि डॉट पीएचपी तो यहाँ पे एक्सेसिबल नहीं है. सो यहाँ पे आपके पास मल्टीपल तरीके हो सकते हैं इसको बाईपास करने के, जिसमें आपके फाइल नेम बाईपास हो जाता है, आपका एक्सटेंशन बाईपास हो जाता है, आप बब स्वीट की हेल्प से चेंज कर सकते हैं जो कि यहाँ पे अपलोड हो रखा हो सिंपल, या फिर आप सिंपली ट्राई करके देख सकते हैं अलग अलग तरीके से. सो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ओपन फोल्डर करता हूँ और जहाँ पे मेरी ये फाइल रखी हुई है या टर्मिनल पे ही आ जाते हैं. टर्मिनल पे आने के बाद सीडी डाउनलोड्स करते हैं एंड जो मेरा फाइल रखा हुआ है पीएचपी रिवर्स शेल डॉट पीएचपी, अगर मैं इसको रिनेम कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल PHTML या HTML के थ्रू, सो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि एग्जीक्यूशन होता है या नहीं होता. सो पीएचपी रिवर्स शेल डॉट पीएचपी को मैं यहाँ कर देता हूँ PHTML. नाउ हमारे पास एक्सटेंशन था डॉट पीएचपी का जो कि पीएचपी अलाउड नहीं है, बट PHTML यहाँ पे अलाउड हो सकती है. सो लेट्स ट्राई. सो मैंने आप इसको रिनेम किया. रिनेम करने के बाद हम इसे अपलोड करते हैं. PHP रिवर्स शेल डॉट PHTML. सो यहाँ पे अपलोड करते रहते हैं सिंपली अपलोड, और यहाँ पे हमारी ये फाइल सीधी अपलोड हो जाती है. अपलोड होने के बाद हमारे पास आता है कि ये फाइल होगी कहाँ पे. सो जो बाय डिफॉल्ट डायरेक्टरीज होती है या तो आपके पास यहाँ पे गोबस्टर के अंदर आ जाती है जैसे कि स्लैश अपलोड्स करके, बट यहाँ पे आप लोग चेक भी कर सकते हैं कि क्योंकि बाय डिफॉल्ट आपको हिट करके देखना होता है कि अपलोड अपलोड्स DIR डायरेक्टरीज इन्हीं नाम से आपके बाय डिफॉल्ट जो डेवलपर्स होते हैं वो इसी नाम से ही रखते हैं. सो यहाँ पे आते हैं हम लोग एंड पैनल के बाद मैं करता हूँ यहाँ पे अपलोड्स. अपलोड्स करने के बाद यू कैन सी यहाँ पे मेरे पास PHP रिवर्स शेल डॉट PHTML यहाँ पे फाइल आ जा रही है. नाउ रिवर्स कनेक्शन के लिए मैं यहाँ पे न्यू टैब ओपन कर लेता हूँ एंड यहाँ पे करते हैं NC एंड देन -L लिसन वोबोस एंड पोर्ट नंबर जो कि है मेरा 1234 पोर्ट नंबर एंड देन एंटर. एंटर करने के बाद पे फिर से हम एप्लीकेशन पे आते हैं और इस एप्लीकेशन पे जो हमने फाइल अपलोड की थी उस पर विजिट करते हैं. विजिट करने के बाद हमारा कनेक्शन देखते हैं और कनेक्शन देखते हैं तो हमारे पास नेटकेट पे लिसन मोड पे हमारे पास कनेक्शन आ जाता है मशीन का और अब हम यहाँ पे नॉर्मल यूजर से यहाँ पे कनेक्ट हो जाते हैं. नाउ यहाँ पे कनेक्ट होने के बाद पे ये आपका स्टेबल शेल नहीं है. सो स्टेबल शेल के लिए भी आप पुराने वीडियोस देख सकते हैं कि ऐसा क्यों किया था. सो यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे आपके पाइथन वगैरह इंस्टॉल्ड है या नहीं. अगर है तो आप पाइथन की हेल्प से सिंपली इसको एक स्टेबल शेल के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं. सो यहाँ पे पाइथन के लिए मैं करता हूँ python-version. So, यहाँ पे मेरे पास Python installed है 2.7.17. Now, stable करने के लिए मैं इसको करता हूँ python-c import pty.spawn और जो मेरा आएगा अभी shell वो अभी simple sh है जिसको मुझे bash के अंदर convert करना है. So, यहाँ पे bin bash and then this one. एंड सिंपली एंटर करते हैं. सो अभी हमारे पास यहाँ पे बैश के अंदर सेटअप हो गया है. नाउ यहाँ पे टर्म्स जो हमारा लिनक्स है एक्सटर्म वो सेटअप कर देते हैं. सो उसके लिए मैं करता हूँ एक्सपोर्ट टर्म इक्वल टू एक्सटर्म. सो यहाँ पे हमारा ये सब चीज सेटअप हो गई है. नाउ यहाँ पे फ्लैग आइडेंटिफाई करने के लिए सिंपली जो आपका डिफॉल्ट होता है वो आपके होम के अंदर होता है जहाँ पे आपका यूजर हो. सो मैं यहाँ पे अगर सीडी होम करता हूँ एंड ls, सो यहाँ पे आपके रूट में और टेस्ट करके दो ऑप्शन है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेस्ट के अंदर जाते हैं एंड टेस्ट में यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है. ls-la करके देख लेते हैं. यहाँ पे आपके पास बैश हिस्ट्री बैश लॉगआउट्स ये सारी चीजें ही आ रही है.
जो कि हो सकता है हमारे प्रिविलेज एस्केलेशन के अंदर काम आ जाए। देन यहाँ पे यूजर है रूट मी एंड देन एलएस एंड एलएस हाइफन एलए। एंड यहाँ पर भी कोई बाय डिफॉल्ट ऐसा नहीं है कि आपको डायरेक्ट यूजर मिल जाए। सो यहाँ पे हम अब यूज में लेते हैं फाइंड कमांड, सर्च करते हैं। सो फाइंड इन रूट डायरेक्टरी, जहाँ पे ये सारे डायरेक्टरी के अंदर चेक करें, एंड देन हाइफन टाइप एफ जो आपकी फाइल होगी, नेम होगा जिसका यूजर डॉट टीएक्सटी। सो यूजर डॉट टीएक्सटी के अंदर आपके पास ऑलमोस्ट परमिशन डिनाइड ही है, बाकी वेयर के अंदर डब्ल्यू डब्ल्यू के अंदर आपके यूजर डॉट टीएक्सटी यहाँ पे शो कर रहा है। सो मैं यहाँ पे इसे कॉपी कर लेता हूँ एंड देन इसको कैट करते हैं। कैट डब्ल्यू वेयर के अंदर डब्ल्यू डब्ल्यू यूजर डॉट टीएक्सटी एंड देन यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट फ्लैग आ जाता है, यू गॉट अ शेल। सो इसको यहाँ पे वैलिडेट कर लेते हैं हम लोग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द हिडन डायरेक्टरी, जो कि हमारी थी पैनल के नाम से, जो कि हमने गोबस्टर के नाम से आइडेंटिफाई की थी। गेटिंग ए शेल के अंदर यूजर डॉट टीएक्सटी यहाँ पे करके इसे सबमिट कर देते हैं एंड देन नेक्स्ट है हमारा प्रिविलेज एस्केलेशन। सो नाउ हैव अ शेल एंड लेट्स एस्केलेट आवर प्रिविलेज टू रूट। सर्च फॉर द फाइल विद एसयूआईडी परमिशन व्हिच इज वियर्ड, क्योंकि SUID परमिशन डायरेक्ट नहीं होनी चाहिए। आप पुराने प्रिविलेज एस्केलेशन की मेरी पूरी सीरीज के अंदर चेक कर सकते हैं कि प्रिविलेज एस्केलेशन होता कैसे है। सो यहाँ पे आपके पास एक हिंट भी है कि आप फाइंड हाइफन यूजर रूट करके परमिशन 4000, जो कि आपकी स्पेशल परमिशन होती है, जब भी हम एलएस हाइफन एलए करते हैं, सो यहाँ पे आपके पास परमिशन दिखती है कि रूट राइटेबल एंड एग्जीक्यूटेबल की, जो कि आपकी रीड राइट एग्जीक्यूटेबल है। एंड उसके अलावा भी आपके पास एक स्पेशल परमिशन होती है जो कि होती है SUID की। सो आप इसके थ्रू यहाँ पे सर्च करके देख सकते हैं। सो सर्च करने के लिए सिंपली मैं यहाँ पे करता हूँ फाइंड एंड देन रूट के अंदर हाइफन टाइप एफ, जो कि यूजर परमिशन के साथ हो, रूट परमिशन जिसकी परमिशन हो आपकी 4000। एंड अगर कुछ भी एरर्स वगैरह आती है सो वो सारे मेरी मूव हो जाती है यहाँ पे नल फोल्डर में, देन डेव नल। यहाँ पे अब आपके पास मल्टीपल चीजें दिखती है कि जैसे स्नैप के अंदर कोर, बट हमें जो आइडेंटिफाई करना है वो करना है यूजर। सो यूजर बिन न्यू आईडेम सी एच एस एच पाइथन। सो यहाँ पे आपका जो पाइथन है जिसको एसयूआईडी परमिशन मिली हुई है, सो यहाँ पे इसको एक बार वैलिडेट कर लेते हैं हम लोग कि जो हम जिस पाथ में जा रहे हैं वो पाथ सही है। सो सबमिट यस। सो हमारे पास जो एसयूआईडी परमिशन है वो है पाइथन के बेस पे, फाइंड ए फॉर्म टू एस्केलेट योर प्रिविलेज। सो यहाँ पे जो आपका फॉर्म है, जो कि हमने पहले भी मल्टीपल डिस्कस कर रखा है, जो कि है आपका GTFO bins। सो GTFO bins के बारे में आप जैसे सर्च करते हैं तो GitHub.io का आपका सब डोमेन आता है, जहां पे आप प्रिविलेज एस्केलेशन के मल्टीपल चीजें यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। सो मैं जैसे यहाँ पे सर्च करता हूँ पाइथन। सो पाइथन के अंदर आता है बाइनरी है और फंक्शन शेल, रिवर्स शेल, फाइल अपलोड, डाउनलोड, फाइल राइट, SUID, sudo and capabilities। So यहाँ पे हमारे पास है SUID का। So SUID पे आ जाते हैं और हमारे पास आता है कि if the binary has the SUID bit set, it does not drop the elevated privilege and may the abuse to access through the file system। That's mean आप डायरेक्टली यहाँ पे फाइल सिस्टम का एक्सेस ले सकते हैं SUID का बैकडोर क्रिएट करके। सो यहाँ पे हमें सिंपल इसको रन करना है। सो लोकल SUID copy the binary and okay। Now यहाँ पे इसको रन करने के लिए मैं सिंपली इसको कॉपी कर लेता हूं। अब डॉट स्लैश के साथ हमारा रन नहीं हो रहा है, सो हम डायरेक्ट पाइथन के साथ यहाँ पे रन कर सकते हैं। कई बार होता है कि आपको किसी प्रोग्राम को रन करने के लिए या फिर किसी बाइनरी को रन करने के लिए डॉट स्लैश की नीड होती है, बट जैसा अभी हमने पहले भी देखा कि आप डायरेक्ट पाइथन हाइफन हाइफन वर्जन जैसे हमने किया था, तो हमको डॉट स्लैश पाइथन लगाने की जरूरत नहीं थी। सो इसलिए हम इसको यहाँ पे इतना सा ही कॉपी करते हैं एंड
कॉपी करने के बाद में सिंपली मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। सो पाइथन हाइफन सी इम्पोर्ट ओएस ओएस डॉट एक्सेल बिन एसएच एसएच हाइफन पी, एंटर करते हैं। एंटर करते हैं यू कैन सी यहाँ पे मेरे पास हैश सिंबल आ जाता है जो कि डिनोट करता है कि अब आप एज ए रूट टर्मिनल के अंदर आ चुके हो। जैसे मैं यहाँ पे अगर हु एम आई करता हूँ, सो यू कैन सी यहाँ पे मैं हूँ अभी रूट, और रूट के बाद पे जो हमारे पास जो नेक्स्ट चैलेंज है वो है हमारा रूट डॉट टीएक्सटी आइडेंटिफाई करना। एंड उसको आइडेंटिफाई करने के लिए मैं सिंपली करता हूँ यहाँ पे एलएस एंड सीडी रूट पे जाते हैं हम लोग। सो यहाँ पे रूट डॉट टीएक्सटी मेरे पास है, सो कैट रूट डॉट टीएक्सटी, और यहाँ पे हमारे पास जो फ्लैग है वो मिल जाता है प्रिविलेज एस्केलेशन। नाउ इसको भी हम लोग वैलिडेट कर लेते हैं। सो फाइनल फॉर्म ये कंप्लीट हो गया, हमने GTFO बिन्स यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लिया, देन root.txt सबमिट। प्रेगनेंसेस में एक रह गया हमारा, ओके। सो हमने वाला मशीन कंप्लीट कर लिया है। सो अगर आप CTF स्टार्ट करना चाहते हैं सो आप रूटमी की हेल्प से कर सकते हैं यहाँ पे। सो ट्रैकमी का इजी बॉक्स है रूटमी, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा। सो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट ट्यूटोरियल के साथ। जब तक के लिए टाटा बाय बाय।